मसीह के जलाली और मधुर नाम से सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यीशु की बेटी। प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ एक वचन आपके साथ शेयर करूँ। मेरा विश्वास इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। वचन निकाल लेंगे लूका की पुस्तक, उसकी पहली बाब से हम पढ़ेंगे तो वहां छब्बीस आयत से हम पढ़ने शुरू करेंगे। तो वहां लिखा है, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। सब बोले आमीन। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, गर्भ में आने वाले थे मां मरियम के। तो यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा कुंवारी मरियम के पास, जो यूसुफ के साथ जिसकी कुड़माई हो चुकी थी। यूसुफ जो वो मनुष्य था जो दाऊद के वंश का था, तो इसलिए आज हम कहते हैं कि हम दाऊद की संतान है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान में से आए हैं। तो जब स्वर्गदूत मां मरियम के पास भेजा गया तो मां मरियम को उसने कितना आदर दिया, कितना सम्मान दिया, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ये आदर सम्मान कैसे मां मरियम को मिला? देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि जब हम अपने मां के गर्भ में होते हैं तब से हम चुने जाते हैं और तब से ही हमारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जैसे कि फिल्म में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि इस टाइम हीरो की एंट्री होगी, इस टाइम विलेन की एंट्री होगी, इस तरह इस टाइम फिल्म का एंड हो जाएगा। इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भी जीवन की स्क्रिप्ट पूरी पिक्चर बनी हुई है, वो प्रभु के हाथों में वो पिक्चर है। कहाँ हमें आशीष देनी है, कहाँ हमें बरकत देनी है, कहाँ प्रभु ने हमें थोड़ा वेट में रखना है, ये सब कुछ प्रभु के हाथों में है। प्रिय भाई बहनों, मां मरियम ही क्यों चुनी गई? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मां मरियम पवित्र औरत थी, क्योंकि उसके उसके दामन में बिल्कुल दाग भी नहीं था, वो बिल्कुल पाक और शुद्ध थी। जैसे आज हम समाज में देखते हैं बिल्कुल वैसी नहीं, उसके बिल्कुल उल्ट, वो पाक थी, शुद्ध थी, वो शरीर में भी शुद्ध थी और मां मरियम आत्मा में भी शुद्ध थी। वो प्रभु के साथ हमेशा जुड़ी रहने वाली, प्रभु का भय मानने वाली एक औरत थी और प्रभु ने उसी को ही चुना। प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ, वो चुनी गई। हालेलुया। और आज उसके द्वारा, उसकी संतान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम बच चुके हैं, आज हम बचाए जा चुके, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का नाश हो चुका है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु में आज गए हो, आपको पता है कि अब आ गए हैं, इसका मतलब हम चुने हुए हैं। तो चुने हो तो हमारे परमेश्वर ने कोई स्क्रिप्ट भी लिखी है, कोई पिक्चर भी लिखी है। अगर पिक्चर लिखी है तो वो हानि की नहीं होगी, वर कुशलता की ही होगी, मतलब हमारी अच्छाई के लिए ही होगी, हमारे वंश के छुटकारे के लिए होगी, हमारे द्वारा किसी और का भी छुटकारा होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, अगर चाहते कि आप जीवन में भी स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत मां मरियम के जीवन में आए, क्योंकि मां मरियम पाक थी, वो शुद्ध थी, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई वो वैर, कोई विरोध नहीं था, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भेजा गया। हालेलुया। अगर आप भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी मां मरियम की तरह बन जाए, अपने आप को शुद्ध कर ले, अपने आप को पापों से फेर ले, तो प्रभु आपके पास भी स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपके पास डिवाइन हेल्पर भेजेगा, आपके रस्ते खोलने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप पापी है, आपने पाप किया, आप सब जानते हैं, हर मनुष्य जानता है कि उसने कौन से पाप किए हैं, सब मनुष्य जानते हैं। अगर आपके मन में अभी तक कोई पाप है, अभी तक कोई बुराई है, तो आइए मेरे साथ उस पाप को प्रभु के आगे हम रखते हैं और क्षमा मांगते हैं। देखिए हमारा परमेश्वर माफ करने वाला है, वे आपको माफ करेगा, वे आपको क्षमा करेगा और आपके लिए स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना में जाते, धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु हमारे महान जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, तारीफ करते पिता। प्रभु हमने तेरे वचन से जाना खुदा यीशु आजा, तेरे स्वर्गदूत भेजा गया मां मरियम के पास, क्योंकि मां मरियम बिल्कुल पवित्र थी, पाक थी, और पिता परमेश्वर तेरे बेटे को जन्म देने के लिए पिता परमेश्वर वही ऐसी औरत थी जो बिल्कुल शुद्ध थी पिता परमेश्वर खुदा, और पिता परमेश्वर स्वर्गदूत उसके लिए भेजा गया पिता परमेश्वर। हे खुदावन्द मेरे पास
सैनिक को यहोवा हमें भी शुद्ध कर पिता परमेश्वर, आज जितनी हमारे अंदर से मैल है पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले प्रभु सबके मनों में अगर मैल है खुदाबन, कहीं ना कहीं चोरी है, कपट है, छल है पिता परमेश्वर, झूठ है पिता परमेश्वर, ओ खुदा भी यीशु आजा, जितने तेरे आगे सिर झुकाए खड़े पिता सबके पापों को माफ कर दे प्रभु, क्षमा कर दे खुदा, इन्हें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दे दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, पिता इनके जीवन में रुकावटें हैं तो प्रभु और आज रुकावटें जाएं क्योंकि वे तुझसे मांग रहे प्रभु, क्षमा मांग रहे, क्षमा कर दे पिता परमेश्वर खुदावन, पिता तेरे वचन में लिखा पाप मौत लेके आता है, पाप की मजदूरी मौत है, तो प्रभु परमेश्वर आज इसे मौत से इन्हें छुड़ा ले पिता, आज इन्हें आजाद कर दे, आज इन्हें फ्री कर दे प्रभु, ये दिसंबर का महीना इनके जीवन में खुशियां का महीना है, आनंद को मनाए पिता, ये आनंद का महीना है पिता परमेश्वर, आनंद इनके जीवन में ठहरा रहे पिता परमेश्वर, आनंद इनका हिस्सा पिता परमेश्वर खुदा, जितने लोग देखने वाले या देख रहे पिता परमेश्वर, सबकी चिंता सबका बोझ जाता रहे, बीमारियां जाते रहे, रोग जाते रहे पिता परमेश्वर खुदावन, पत्थरियां, रसौलियां, पीरियड की प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु तेरे नाम में सब जाती रहे पिता, मैं तेरे आगे प्रार्थना करती हूँ, तेरे आगे विनती करती हूँ प्रभु, दुष्ट आत्मा के घरों से जाती रहे पिता परमेश्वर खुदावन, पिता परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम से घरों से जाती रहे पिता परमेश्वर, कर्ज इनका हिस्सा ना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, पिता परमेश्वर दिसंबर महीना के लिए खुशियों का, आनंद का, आशीष का महीना ठहर दे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे प्रभु मैं सबको प्रभु तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु, तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता परमेश्वर, आज रात पिता परमेश्वर बात करना इसी प्रभु, ठंडक देना इन सबको मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, शांति का आत्मा देना सबको मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ सैनिक को यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं सारी महिमा तेरे नाम को देती हूँ, सारा जलाल तेरे नाम को देती हूँ पिता परमेश्वर, तो महिमा मारी परमेश्वर आदर के जो प्रभु सारा आदर तेरे नाम को देती है खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, सब बोले आमीन, हालेलुया हालेलुया, मेरा विश्वास है आप छूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, अपनी गवाही देना ना भूलना, सुबह शाम प्रेयर आती है, प्रेयर को सुने, रिसीव करें, पूरे मन से विश्वास रखें प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको छुड़ाएगा, इसी महीने में रिजल्ट प्रभु आपको देगा, हालेलुया, अगर आपकी कोई गवाही है तो इस नंबर पर देना ना भूलना, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे इन गवाहियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह।